सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर, देवभूमि हिमाचल के इन हर भरे पहाड़ों में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, बहुत ही दिनों से इस मौसम ने परेशान करके रखा था और जगह जगह पे बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग हुए जिसकी वजह से कई जगह जान माल को नुकसान हुआ। तो दोस्तों अब जाके मिली है थोड़ी राहत। पिछले दो दिन से बिल्कुल मौसम साफ है और बिल्कुल चारों तरफ धूप खिली हुई है। दोस्तों इस धूप का एक फ़ायदा और होगा, जो हमारे जैसे फल है और जो खेत है उनको पकने में अभी सहायता होगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है और कई दिनों के बाद ऐसा मौसम एकदम साफ देखने को मिला है और पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा हरियाली लौट आई है, तो बने रहिए मेरे साथ। सामने का व्यू कुछ इस तरह का बना हुआ है। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, जैसे ही मौसम थोड़ा बारिश से रुका है तो चारों तरफ रैली ही रैली हो गई है और खेत खलिहान अब धीरे धीरे पकने शुरू हो गए हैं। अखरोट के पौधे में भी अखरोट अब धीरे धीरे पकेंगे। अभी तो ये बिल्कुल हरे हैं, इसको पकने में थोड़ा कुछ अभी समय लगने वाला है। तो जैसे कि आपको बताऊँ, यहाँ पे एक आड़ू का पौधा है और इसमें इतने ज़्यादा फल लगे हुए हैं क्योंकि ये फलों की वजह से ही पूरे का पूरा पौधा टूट चुका है। ये है दोस्तों पहाड़ी आड़ू, जो बहुत ही मीठे और टेस्टी होते हैं। पहाड़ी नाशपाती, दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं, सुबह के समय बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा दोस्तों चलती है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर ये बारिशें नहीं रुकती तो इतने जो सारे दोस्तों फल थे इनको पकने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी मतलब इतनी ज़्यादा बारिशों के कारण इन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अभी तक जो ये फल है अच्छी तरह से पके नहीं है और बारिशों की वजह से इसका जो रस है अभी इतना ज़्यादा मीठा नहीं हुआ है। अगर मौसम थोड़े दिन के लिए छोड़ता है तो दोस्तों ये पूरी इसमें भरपूर मिठास आएगी और ये बिल्कुल ऐसे पक जाएंगे, तो बने रहिए आगे के। तो पहाड़ों का व्यू बहुत ही शानदार बना हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा, मैं एक छोटा सा गांव होली में रहने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ की थोड़ी सुविधा दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जिस जगह पे मैं रहता हूँ
वो शहर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है हरियाली है और खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ ये एक छोटा सा शहर है। तो देरी न करते हुए आपको मैं यहाँ के व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इन पहाड़ों के बीच में ये होली छोटा सा शहर है जिसके आपको मैं कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। सामने यहाँ पे एक रावी नदी है जो यहाँ से बहते हुए डिस्ट्रिक्ट चंबा से होके आगे गुजरती है। कल किसी नए वीडियो और किसी नए जगह के साथ, तो तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल।